वेलकम माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आज देखेंगे महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर का स्टाफ नर्स वैकेंसी 2020-20 का। टोटल पोस्ट है 264, सैलरी पर मंथ कितना होगा, 264 में मेल नर्स कितना है, फीमेल नर्स कितना है देखेंगे। टोटल कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट में जो लास्ट डेट अप्लाई करने का है 5 जनवरी 2021। फुल डिटेल्स के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलो दोस्तों देखते हैं कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट क्या है। देखो दोस्तों ये है कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट। देखो ये कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता शासकीय स्वयंशासी संस्था महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर का है, इसको जरूर याद रखना है। देखो यहाँ पर लिखा है स्टाफ नर्स भर्ती सूचना। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को देखना है इसका डिटेल्स। जो लास्ट डेट है 5/1/2021 है। टोटल पोस्ट देखो यहाँ पर लिखा गया है 264, इसको जरूर ध्यान देना है दोस्तों। टोटल 264 पोस्ट है। महिला के लिए देखो 211 है। 211 जरूर इसको याद रखिए। उसके बाद जो सीधी भर्ती वो 53 पोस्ट है और मेल के लिए मेल 29 है, ये भी जरूर याद रखना है। देखो दोस्तों पहले 3 माह के लिए आपको 10,000 रुपया मिलेगा। उसके बाद 3 माह कंप्लीट करने के बाद एक तो एग्जाम होगा। एग्जाम होने के बाद वेतनमान जो होगा प्रशासन या शासन निर्देशन दिया वेतन होगा। चलो दोस्तों देखेंगे अभी महंगाई भत्ता, अन्य भत्ता, अन्य लाभ सब आपको बाद में मिलेगा क्योंकि वो सब चीज लागू होगा। तो अभी हम देखेंगे आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे, इसमें डिटेल्स दिया गया है। ऑन रिजर्व के लिए 1000, रिजर्व कैटेगरी के लिए 800 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। आरटीजीएस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तहत आप करेंगे। मिनिमम जो एज हो 18 ईयर, अधिकतम 40 ईयर्स है। अनरक्षित वर्ग है तो अनुसूचित जाति के लिए 45 ईयर्स है। तो अभी हम देखेंगे इसका डिटेल। देखो इसमें दिया गया है, पूरा डिटेल दिया गया है। देखो कैसे चयन प्रक्रिया कैसे है इसमें दिया गया है। प्लस टू का कितना परसेंट लिया जाएगा, मैक्सिमम 20 मार्क्स लिया जाएगा। बीएससी जीएनएम मैक्सिमम 50 मार्क्स। बेसिक 25, जीएनएम क्या था 20, एमएससी क्या था 5, टोटल 100 मार्क्स वेटेज के हिसाब से होगा। ये देखो दोस्तों ये है आवेदन का प्रारूप है, कैसे आप अप्लाई करेंगे। अकाउंट नंबर भी दिया गया है, देखो इसमें भी कर सकते हैं। आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रहेगा ही। आवेदित पद का नाम लिख दो, स्टाफ नंबर, बैंक ड्राफ्ट का क्रमांक नंबर, पूरा नाम लिखना है, सब करना है। उसके साथ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट। रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होगा दोस्तों, आपका 10th का हुआ, प्लस टू का हुआ, उसके बाद नर्सिंग का जीएनएम हो या बेसिक बीएससी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नर्सिंग, सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब अटैच करके फोटो, आधार कार्ड या पैन कार्ड, ये सब डिटेल्स आपको भेजना पड़ेगा। कहाँ पर यहाँ लिखा गया है देखो दोस्तों, कौन सा एड्रेस में भेजा जाएगा ऐसे लिखना है। ये वेबसाइट में अगर आपको डाउट वगैरह है तो ये वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।